এটা কৌতুক তো না हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आए हैं उदयपुर महिंद्रा थार रॉक्स 5 डोर वाला गाड़ी बुक करने के लिए। और गाड़ी कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करना, मेरे को तो दिल पूरा गार्डन गार्डन हो गया गाड़ी देख के। और हमारा पास अभी करंट नेक्सा XL6 गाड़ी है। और एक मेरे मिस्टर का तो बहुत ही इच्छा है थार लेने के लिए, तो आज हम फाइनली आए हैं बुकिंग करने के लिए। तो कैसे हम कैसे स्टेप बाय स्टेप बुकिंग करेंगे, पूरा प्रोसेस इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करना। तो फ्रेंड्स, ये थार का टॉप मॉडल है और इसका प्राइस है 23 लाख। और अभी हम इसको बुकिंग करेंगे। और गाड़ी बुकिंग करने का 10 या 1 साल के बाद ही गाड़ी हमको मिलेगा, इतना दिन हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी ये हमारा नहीं हो सकता है, तो इंतज़ार का सब्र का फल तो मीठा होता है फ्रेंड्स, तो हम सब्र करेंगे। और गाड़ी तो एक नंबर है, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। एक अट्टा रहो विंडो अच्छे खोल पारा ना ना ऊपर काच खोल पार तम आम नहीं हवा ये पड़ी गाटा ना आम बढ़िया लगुच पूरा किचन मजा आ रहा है। गाड़ी देख के दिल खुश हो गया मेरा, दिल गार्डन गार्डन हो गया। इसको पक्का बुक करते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसके लिए आपके लाइक प्यार कमेंट चाहिए, इसीलिए जल्दी जल्दी इस गाड़ी को बुक करते हैं। उसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आपका। ठीक है फ्रेंड, देख लो आज हम कौन सी थार के पास बुकिंग करेंगे। थार ठीक है, XL6 के साथ जाएगा थार। और साथ में मेरा दोस्त भी आया है, वो उसका गाड़ी ले। फ्रेंड्स, आप सबको तो पता है थार की क्वालिटी, तो ये कैंपिंग के लिए तो बेस्ट है। और आप जैसे देख रहे थे मेरे मिस्टर पीछे, आप किचन सेट भी कर सकते हो कहीं भी कैंपिंग वगैरह के लिए, और पहाड़ भी ये चढ़ सकता है, इसीलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा। और ओपन डोर वाला है, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा लगा। आप देखो इसका लुक कितना प्यारा है, हाय हाय, मैं तो इसकी दीवानी बन गई, सच में दिल खुश हो गई। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे मिस्टर का थोड़ा उनके साथ बातचीत हो गया, मीटिंग तो होना पड़ेगा 5 मिनट या 10 मिनट्स ओनली। देन उनको उन्होंने बोला हमको कि आपको ट्रायल करना है कैसा, क्योंकि हमको पसंद आएगा तभी तो हम लेंगे। पहले से ही ऑब्वियसली हमको पसंद है, लेकिन हम तो कभी थार नहीं चलाए थे। लेकिन मेरे मिस्टर को उन्होंने बोला आप चलाओ ना, हम चलाएंगे आप बैठेंगे, तो मेरे मिस्टर बोला नहीं मैं चलाऊंगी। और मैं उनके पास आगे बैठी थी और वीडियो भी मैं ही बना रही हूँ। और सच में थार में बैठ के अलग ही फीलिंग्स है फ्रेंड्स, क्या बताऊँ, मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। ओके फ्रेंड्स, अभी हम बच्चे के लिए थोड़ा सा साइकिल वगैरह शॉपिंग करेंगे, देन घर जाएंगे। वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट करना और हमको ऐसे ही प्यार ब्लेसिंग्स देना। बाय, सीधा नेक्स्ट।